महाराज जी काशी की घटना है। ठाकुर जी का सिंहासन सहित ठाकुर जी उठे, दिव्य प्रकाश जगमगाया और साक्षात ठाकुर जी ने प्रकट होकर रैदास जी को छाती से लगा दिया। आज सामान्य की तो चले क्या, काशी नरेश ने अपना मुकुट उतार कर रैदास जी के चरणों में रख दिया। आज काशी के बड़े बड़े विद्वान रैदास जी की चरण धूल को मस्तक पर लगाने लगे। नाभाजी ने लिखा है, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंधु जा सकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। अपने वर्ण और अपने आश्रम के अभिमान को त्याग कर काशी के बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े यतिराज रैदास जी के चरण की रज को मस्तक पर धारण करते हैं। ये है भागवत धर्म का महात्म्य, ये है भगवान की भक्ति का महात्म्य। हम लोग नाभाजी के शब्दों में रैदास जी का स्मरण करें। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण भाषा नहीं है, हिंदी भाषा है। आप लोग ध्यान से सुने और उच्चारण करें, आपको भी ऐसी पवित्र वाणी के उच्चारण का सौभाग्य मिल जाएगा। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। साधो जी सदाचार सुक्ति शास्त्र, साधो जी सदाचार सुक्ति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचारो, वचन अविरुद्ध उचारो, साधो जी निरखीर विवरण, साधो जी निरखीर विवरण परमहंसन पुर धारो, परमहंसन साधो जी भगवत कृपा प्रसाद, 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 मां साधो जी भगवत कृपा प्रसाद, साधो जी भगवत कृपा प्रसाद, परम गति यही तन पाए, परम गति यही तन पाए, साधो जी राज सिंहासन बैठ, साधो जी राज सिंहासन बैठ, याति परतीति दिखाए, याति परतीति दिखाए, याति परतीति दिखाए, याति
वर्णाश्रम अभिमान तजे पदरज बंदई जासु की वर्णाश्रम अभिमान तजे पदरज बंदई जासु की संदेह पानी विमल रे संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रेरा संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रेरा संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास। नाभाजी कह रहे हैं श्री रैदास जी की विमल वाणी, जिसने अहमता और ममता का लेश भी नहीं है, ऐसी सिद्ध समाधि वाणी, ऐसी गुणातीत वाणी, विमल वाणी, कितनी समर्थ वाणी। बोले संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, संदेह की गांठ का खंडन करने में जो बहुत निपुण है, इसका मतलब है केवल रैदास जी की वाणी का आश्रय लेकर जीव तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, उसके चित्त में कोई शंका कोई संदेह नहीं रह जाएगा, संपूर्ण समाधान और सम्यक समाधान हो जाएगा, ऐसी रैदासी की बात। संतों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, वो सीधे चोट करती है हृदय पर। क्योंकि उस वाणी में केवल शब्द नहीं होते अपितु भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध होती है उस वाणी में। भक्तों के अंतकरण में भगवान के चरण अविचल भाव से विराजते हैं और शब्द वायु रूप हैं, वो वायु रूप शब्द चरणों को छूकर तब बाहर आते हैं, तो उनमें भगवान के चरण कमल की सुगंध होती है। इसलिए संत की वाणी जीव का बहुत जल्दी कल्याण करने वाली होती है। रैदास जी की वाणी ऐसे ही निर्मल वाणी। आप लोग कहेंगे संदेह कहते किसको है, एक ही विषय में भिन्न भिन्न प्रकार का जो ज्ञान होता उसको संदेह कहते। एक विषय में एकस्मिन विषय भिन्न भिन्न प्रतीति ही संदेह, एक ही विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रतीति है उसको संदेह कहते। ऐसा है कैसा नहीं है इसी का नाम संदेह। महाराज जी मन की दुविधा बड़े बड़े पंडितों की भी नहीं जाती, ऐसा सही है कि नहीं है, है कि नहीं है, कि नहीं है कि नहीं, ये उनके मन में बना रहता है। इदमेव भवति नवा, इदमेव भवति नवा, ये ऐसा ही है कि नहीं है इसको संदेह कर। और बड़े से बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, यदि वह संशयात्मा है, निर्मल ज्ञान उसको उत्पन्न नहीं हुआ है, तो महाराज वो संशयात्मा होने के कारण निर्णय नहीं कर सकता। और संतों की वाणी की विशेषता महाराज जी ये है, उनके भीतर सारा समाधान भगवान की दया से हो ही जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि, विद्यते
हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब आत्म साक्षात्कार होता है, जब भगवत साक्षात्कार होता है, तो क्या लाभ है भगवत साक्षात्कार से? बोले अविद्या की गांठ खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती है जब भगवान का अनुभव हो जाता है। और ऐसे ही भगवत साक्षात्कार प्राप्त तत्वज्ञानी संत सिद्ध रसिक संत श्री रैदास। इसलिए आपकी वाणी में वह सामर्थ्य है जो संपूर्ण संदेह की अविद्या की गांठ को खोलने वाला है। एक पद में महाराज रैदास जी बोल रहे हैं, एक पद में रैदास जी बोल रहे हैं कि तुम चाहे जितनी तपस्या कर लो। ध्यान से सुने, तुम चाहे जितनी तपस्या कर लो, योग कर लो, ध्यान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान पुण्य कर लो, लेकिन तुम्हारी अविद्या की गांठ खुलने वाली नहीं। क्या ये सब साधन व्यर्थ है? साधन व्यर्थ नहीं है, लेकिन जो बात रैदास जी कहना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। वो कहते आपने सब साधनों में विश्वास किया, प्रतीति की, और साधनों में आप लगे और अनन्य भाव से राम नाम की शरण ग्रहण नहीं की। राम राम नहीं किया तो सब करो, राम राम नहीं करो तो अविद्या की गांठ नहीं खुलेगी। और कोई साधन नहीं बन पाया ठीक से, केवल ईमानदारी से राम राम बन गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी। कितनी ऊंची बात रैदास जी ने कही। अच्छा एक बात बताओ, ये बात सच्ची है कि नहीं? हमारे राजस्थान में श्री राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक महान आचार्यों ने, सिद्ध संतों ने कौन सा साधन किया? योग यज्ञ जप तप ज्ञान ध्यान क्या किया? केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय लिया और सारे तीर्थ प्रयाग उनके यहां आ गए, गंगा जी उनके यहां आ गई, यमुना जी उनके यहां आ गई, क्या प्राप्त नहीं हो गया? महाराज कहां तक कहें, अप्सराएं तक आई है उनके भजन में। हैं, खेड़ापाई की घटना तो है, साक्षात अप्सरा आई भजन में। लेकिन धन्य है श्री राम नाम की महिमा। प्राचीन युगों में बड़े बड़े तपोधन ऋषि माया को नहीं जीत पाए और इस घोर कलिकाल में राम नाम के बल से माया को घुटने टिका दिए, माया को जीत लिया। केवल राम नाम के बल से सब कुछ प्राप्त कर लिया। राम स्नेही संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय से पृथक नहीं है, एक ही है। श्री रामानंद संप्रदाय से ही, गलता जी की परंपरा से, इसी से श्री यश संप्रदाय प्रकट हुआ। और श्री राम नाम की महिमा क्या है इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके उन्होंने दिखा दिया। और ठीक यही विचार रैदास जी यही विचार दे रहे हैं। बोले भैया तुम चाहे जो कुछ कर लो, राम राम नहीं करोगे तो अविद्या की गांठ खुलेगी नहीं। राम बिन
संशय गांठ न छूटे नाम बिन संशय गांठ न छूटे नाम बिन संशय गांठ न छूटे संशय गांठ न छूटे राम बिन संशय गांठ न छूटे संशय गांठ न छूटे राम बिन संशय गांठ न छूटे संशय गांठ न छूटे राम बिन संशय गांठ न छूटे काम क्रोध लोभ मद माया काम क्रोध मोह मद माया काम क्रोध लोभ 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 मद माया इन पंचन मिले लूटे राम बिन इन पंचन मिले लूटे राम बिन कब संशय गांठ न छूटे संशय गांठ न छूटे राम बिन संशय गांठ न छूटे यदि राम राम नहीं करोगे तो तुम्हारी साधन रूप संपत्ति को काम क्रोध लोभ मद माया ये पंच मिलकर के तुम्हारी साधन संपत्ति को लूट लेंगे। राम नाम ही सुरक्षा करेगा और राम राम करोगे तो संशय की गांठ खुल जाएगी। हम बड़ कवि कुलीन बड़ पंडित 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 हम जोगी सन्यासी हम योगी ज्ञानी गुनी सूर हम दाता 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 याहू कहे मति नासी याहू कहे संशय गांठ न छूटे राम बिन संशय गांठ न छूटे राम बिन संशय गांठ न छूटे संशय गांठ न छूटे हम बड़े हैं हम बहुत बड़े हैं हम कवि हैं हम कुलीन हैं हम बहुत बड़े पंडित हैं अरे हम तो महान योगी राज हैं हम सन्यासी हैं हम ज्ञानी हैं हम बड़े गुणवान हैं हम बड़े सूरवीर हैं हमसे बड़ा दाता कौन हो सकता। रैदासी कहते हैं भैया ये कितनी उपाधि माया अविद्या की तो जीव को जन्म से प्राप्त है उन्हें तो वो हटा नहीं पा रहा है और झूठी उपाधि और बटोरता चला जा रहा है और यह नहीं समझता कि परमात्मा निरुपाधिक है और उस निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें भी अपनी उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। ये उसका स्वरूप है क्या? ये स्वरूप नहीं है, ये तो बाहरी संसार का परिचय है।
ये उसका स्वरूप नहीं है। लेकिन ज्ञानी गुनी हम बड़ कवि कुलीन बड़ पंडित, हम बड़ कवि कुलीन बड़ पंडित, हम जोगी सन्यासी, हम जोगी सन्यासी, हम पंडित हैं, हम जोगी हैं, हम सन्यासी हैं, हम बैरागी हैं, हम उदासी हैं, ये भी एक अहंकार है। ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी नासी, याहू कहे मति नासी नासी, संशय गांठ न छूटे राम बिन, संशय गांठ न छूटे संशय गांठ न छूटे, आ संशय गांठ न छूटे, आ संशय गांठ न छूटे राम, संशय गांठ न छूटे, आ संशय गांठ न छूटे। संपूर्णानंद जी कहते थे, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी कहते थे, वो कहते थे कि मैं सन्यासी हूं ये भी उपाधि है, ये उपाधि भी रहेगी तो भगवान से मिलने में विलंब रहेगा। वो कहते थे मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, बस इतनी ही बात रहनी चाहिए, बाकी सब समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन ये अहंकार जीव का जाता नहीं। हमारे महाराज जी ऐसे ही सर्वथा निराभिमान संत, बरसाने में एक बाई ने जो बिचारी बहुत गरीबनी साध्वी संत गार्गी बाई, उसने बिचारी ने बुलाया, हम भी गए थे, महाराज जी की कथा थी। बड़ी विचित्र घटना है महाराज, उस बाई पे 1500 रुपए थे। बोली महाराज मेरे जीवन का इच्छा है, मैं कथा करानी चाहता हूं भागवत जी की। महाराज का ठीक है। एक आ गया था सेवा करने के लिए, एक लड़का साधु तो नहीं था, साधु जैसा भेष बनाया था वो। महाराज कल से कथा शुरू होनी और पीपा में उसने रख रखे थे पैसा, वो पीपा ही लेके चला गया रात को। वो बिचारी रोवे भाई के 1500 रुपया जैसे तैसे था, वो चला गया, बाबा जी कैसे होगी कथा। महाराज बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान का आश्रय नहीं था, 1500 रुपयों का आश्रय था, वो नष्ट हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो एक चबूतरे पे तखट डाल दिया और महाराज कोई पंडाल वंडाल कुछ नहीं, ऐसे ही कथा महाराज जी की हो रही थी, हम लोग बैठे थे। तो किसी महात्मा ने कहा, महाराज जी किसी महात्मा ने कहा कि बताइए पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज सामान्य संत नहीं है, भारतवर्ष के वैष्णव जगत के गिने चुने विद्वानों में उनकी गणना है। अरे उनको बरसाने में कथा कहनी थी तो थोड़ा इशारा करते, बढ़िया पंडाल बन जाता, माइक लग जाता। अब महाराज तो चाहे जिसके बुलाने से चले जाते हैं, अपने स्तर का कोई ध्यान नहीं रखते। उन महापुरुष ने, महात्मा ने जिसने कहा, उन्होंने तो सौहार्द के कारण कहा। व्यक्ति ने आकर महाराज जी से कहा, महाराज जी लोगों में चर्चा चल रही है, अमुक महापुरुष कह रहे थे, आप महाराज जी को कहने की इच्छा थी तो हम लोग व्यवस्था करते, बताओ कहाँ। सामने से रास्ता चल रहा है, छोटा सा चबूतरा है, उसी पर तखत बिछा है, महाराज कथा कह रहे हैं और पंडाले श्रोता लोग पेड़ों के नीचे बैठे, ऐसी कथा थी। तो महाराज जी के सामने जब बात रखी गई तो महाराज जी बड़े सहज भाव से कहा,
जिसने अपना कोई स्तर भीतर से स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटेगा और उसका स्तर बढ़ेगा, और जिसने किसी स्तर को ही स्वीकार नहीं कर रखेगा कर रखा है उसका क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। जिसने अपना स्तर मान रखा हो उसका घटे बढ़े, हमारा कोई स्तर ही नहीं तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। हमारे लिए तो इससे अधिक आनंद की बात क्या हो सकती है। बरसाना श्री जी का निकुंज है, यहाँ बैठकर भगवत गुणगान का अवसर मिल रहा है। ये पक्षी ये ऋषि मुनि हैं, ये वृक्ष भी सब ऋषि मुनि हैं, रसिक जन हैं, इनके मध्य बैठकर ठाकुर जी के गुणों की चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमने ये बात पूज्य मिश्री जी गुरु जी को सुनाई तो गुरु जी बोले निरुपाधिक अवस्था इसी को कहते हैं। अब उसको चाहे स्तर कहो चाहे उपाधि कहो, बात तो एक ही है। बोले वो निरुपाधिक संत। यही बात रैदास जी कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम पंडित हैं, हम बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, कुलीन हैं, हम योगी हैं, हम सन्यासी, हम ज्ञानी हैं, हम गुणवान हैं, हम सूरवीर हैं, हम दानी हैं। इसी उपाधि ने तुमको भगवान से विमुख बना दिया है। ये सब मिथ्या अहंकार छोड़ो, हम केवल भगवान के दास हैं और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस बात को तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? इसलिए तुम्हारे भीतर सारे संदेह बने हुए हैं। राम बिन संशय गांठ न छूटे, राम बिन संशय गांठ न छूटे, राम बिन संशय गांठ न छूटे, संशय गांठ न छूटे, राम संशय गांठ न छूटे। पढ़े कछु समुझी न परई, पढ़े गुने कछु समुझी न परई, पढ़े गुने कछु समुझी न परई, पढ़े गुने कछु समुझी न परई, जो लो भाव न दर से, जो लो भाव जो पारस नहीं परसे, जो पारस नहीं परसे, संशय गांठ न छूटे राम, संशय गांठ न छूटे राम, संशय गांठ न छूटे, संशय वो कह रहे हैं पढ़े गुने कछु समझ न पड़े, पढ़े गुने कछु समझ न पड़े, जोलो भाव न दर्शे, भाव प्रकट नहीं हुआ तो केवल पढ़ने लिखने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। उदाहरण क्या है? बोले उदाहरण ये है, पारसमणि लोहे को सोना बनाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोहे का पारसमणि से स्पर्श कराया जाना आवश्यक है कि नहीं? अरे खाली पारसमणि की चर्चा से तो लोहा सोना नहीं बनेगा। रैदास जी के कहने का भाव है, ठाकुर जी पारसमणि है और जीव लोहा है, लेकिन ठाकुर जी का स्पर्श तो हो उसको, और वो स्पर्श कैसे होगा? बिना भाव के संभव नहीं होगा, क्योंकि भावक ग्राही जनार्दन, भगवान भावक ग्राही। पढ़े गुने कछु समुझी न परई, पढ़े गुने कछु
लोहा हिरण होई धोके से, लोहा हिरण होई धोके से, जो पारस नहीं परस राम बिन, जो पारस नहीं परस राम बिन, संशय गांठ न छूटे, संशय गांठ न छूटे राम बिन, आपका मत क्या है? कह रे दास और अस मुझसी, कह रे दास और अस मुझसी, चाली परे ब्रह्म भोरे, चाल परे ब्रह्म भोरे। रे दास जी कहते मेरी समझ में तो आया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रह्म की चाल में ही चल रहे हैं, ब्रह्म में पड़े हैं। हमारी बात मानो तो ब्रह्म छूट जाएगा क्या? कह रे दास और अस मुझसी, कह रे दास और अस मुझसी, चाली परे ब्रह्म भोरे, चाली परे ब्रह्म भोरे, एक आधार नाम नर हरि को, 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 जीवन प्राण धन मोरे, हाँ जीवन प्राण धन मोरे, एक आधार नाम नर हरि को, 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 जीवन प्राण धन मोरे, जीवन प्राण धन मोरे, संशय भरम न छूटे राम बिन, संशय भरम न छूटे राम बिन, संशय भरम न छूटे, संशय भरम न छूटे राम बिन, संशय भरम न छूटे। अब देखिए इस थाली फुलाकर न्याय से एक पद बताया, सारी बात कह दी कि नहीं कह दी, क्या बाकी छोड़ा? सब कुछ कह दिया। एक आधार नाम नरसिंह को, नर हरि को, जीवन प्राण धन मोरे, नर हरि भगवान का नाम, वह एक नाम ही मेरे जीवन का, मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, वही मेरे जीवन का आधार है, और यही मेरा मेरी समझ है कि भैया सब कुछ करो पर नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर दो, सारे संशय मिट जाएंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे, और इसी जीवन में तुम्हें भाव की प्राप्ति हो जाएगी, और जब भाव की प्राप्ति हो जाएगी तो ये लोहा उस पारस मणि से छू जाएगा, और छूते ही लोहा लोहा नहीं रह जाएगा, ये लोहा कंचन हो जाएगा, तुम्हारा शरीर धारण करने का फल तुमको मिल जाएगा। एक पद में रैदास जी कह रहे हैं, इसको हम दोहराएंगे नहीं, सीधे सीधे बोल रहे हैं, क्योंकि चरित्र ज्यादा हो जाए वो ज्यादा अच्छा। बोलो श्री रैदास जी महाराज की जय। इस पद में रैदास जी भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पहला पद नाम की महिमा और दूसरा पद भक्ति की महिमा। श्री रैदास जी कहते हैं, धन्य हरि भक्ति
धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी। धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी। धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी। कैसे करें भक्ति? धन्य है भक्ति, तीनों लोकों में जीव के यश का विस्तार करने वाली है। पतित से पतित जीव को पावन बना देने वाली भक्ति है। धन्य है हरि भक्ति की, वो धन्य है, धन्य है। कैसे मिलेगी भक्ति? धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी। करो सतसंग यही विमल यश गावनी। करो सतसंग यह विमल यश गावनी। धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी। इस भक्ति को प्राप्त करना है तो रैदास जी कहते हैं सत्संग करो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। अब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से ही भक्ति मिलेगी। इसलिए हे जीवो करो सत्संग यही विमल यश गावनी। बोले सत्संग क्या है? बोले भगवान के और भगवान के भक्तों के निर्मल यश को गाओ, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग में और क्या किया जाता? भगवान की चर्चा, भगवान के भक्तों की चर्चा, इसी का नाम सत्संग है। बोलिए सत्संग कहते किसको हैं? बुरा नहीं मानना महाराज, दुख की बात है, कठिन कलिकाल है, कराल कलिकाल है, आग लगी है सारी धरती पर। आज सत्संग के नाम पर भी कुसंग हो रहा है, कुसंग। नाम हम नहीं लेंगे, नाम लेने में कोई लाभ भी नहीं है। भगवान की चर्चा करनी है, व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है। ऐसे सत्संग भी महाराज जी इस समय हो रहे हैं, इसी देश में लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है महाराज, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, पर उन सत्संगों में जाने वाले लोग, उनकी वेद में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी संतों में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी तुलसी पीपल में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी गौ ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं रहती। बोले हम अमुक के सत्संग में जा रहे हैं, क्या सीख के आए? तो घर के ठाकुर जी उठा के घूर पर फेंक दिए, ये सीख के आए। महाराज जी 200 वर्षों से जिनके घरों में भगवत सेवा विराजमान थी, वो लोगों ने उठा के भगवान को घूर पर फेंक दिया, ये कहां सीख के आए? बोले सत्संग में। हम तो कहते ये सत्संग है कि कुसंग क्या है? उज्जैन की घटना है, एक प्रामाणिक व्यक्ति ने सुनाई। ऐसे ही एक व्यक्ति था, बड़ा भगत था, और ऐसे ही किसी सत्संग में चला गया, और वहां से महाराज उस संस्था के लोगों ने उसको अपने सत्संग का प्रचारक बना दिया। वो जगह जगह कहने लग गया कि ये वेद आदि वेद पुराण झूठे हैं, कुछ नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था बेकार है, कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा केवल ढोंग ढकोसला है, कुछ नहीं है, और
क्या पत्थर में कहीं शंकर जी होते हैं, देवी देवताओं की कल्पना लोगों ने पेट भरने के लिए कर ली, ऐसी ऐसी बातें वो करने लग गया। अंत में महाराज उसे ऐसा आवेश चढ़ा सत्संग कहें कि कुसंग कहें भगवान जाने, सत्संग नाम वाले उस कुसंग का ऐसा भूत चढ़ा उसको कि उस व्यक्ति ने लोगों को यह प्रमाणित करने के लिए कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है शिवलिंग पर लौशंका कर दिया। एक शिवालय था, शंकर जी पर मूत्र त्याग कर दिया। शंकर जी तो बेचारे भोले बाबा हैं, उनके पास उनके ऊपर कोई कुछ कर जाए उनको क्या प्रयोजन, शंकर जी की पवित्रता में थोड़ी कोई अंतर आ रहा है। लोगों ने कहा देखो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद पागल हो गया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, इलाज हो नहीं सका, पीड़ा के मारे कुआ में कूद के मरा, पता ही नहीं चला, लाश सड़ गई, बदबू आई, महाराज निकालने योग्य भी नहीं रह गया, कुत्तों ने भी मांस को नहीं खाया। घटना प्रत्यक्ष उज्जैन के एक व्यक्ति ने हमको, अच्छा भला आदमी था और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसी संस्थाओं में जा रहे हैं। विशुद्ध भगवत शरणागति का मार्ग, भक्ति का मार्ग वे नहीं जानते, इसलिए हमारी प्रार्थना है ज्यादा झमेले में मत पड़ो। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और श्री भक्तमाल, भागवत रामायण गीता और भक्तमाल, भक्त चरित्र भक्तमाल माने भक्त चरित्र भक्तमाल, ये चार ग्रंथ जीव के साधक के कल्याण के लिए पर्याप्त है। जैसे तैसे व्यक्तियों की पुस्तक मत पढ़ो। आप क्या लिख रहे हैं, बोले 5200 यथार्थ गीता है। इसका मतलब 5200 साल तक गीता पर किसी ने विचार ही नहीं किया। अब कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया कि वो गीता का सबसे बड़ा विचारक अपने को मानता और वर्णाश्रम धर्म के सर्वथा विरुद्ध बातें लिख रखी है। हम नाम नहीं लेना चाहते, निकल गया मुंह से, क्या करें। श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति जितने आचार्य जिन्होंने गीता पर प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया वो कुछ नहीं जानते थे। तुम आज पैदा हुए, तुम्हारा जीवन सत्य सदाचार से शून्य है और तुम अपने को ये घोषणा करते हो गीता के पंडित हैं। भाई गीता यदि पढ़नी है, टीका ही उसकी पढ़नी है, तो गीता प्रेस से जो हिंदी अनुवाद छपा उसे पढ़ लो, तत्व चिंतामणि पढ़ लो, और तुम्हें सुंदर व्याख्या पढ़नी है तो पूज्य श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी की साधक संजीवनी पढ़ लो। हरित भूमि तृण संकुल समुझि पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते लोक तो हो ही सदग्रंथ। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने छोटी छोटी इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, उनको आप केवल अपने घर में ले आइए, बहुत बढ़िया सत्संग हो जाए। शेठ जी की छोटी छोटी पुस्तकों से बहुत बढ़िया सत्संग हो जाएगा, स्वामी जी की छोटी छोटी पुस्तकों से बहुत बढ़िया सत्संग हो जाएगा।
इनमें किसी संप्रदाय का दुराग्रह नहीं है, जीवों के कल्याण की सीधी सीधी बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में भी किसी विशेष पंथ का दुराग्रह नहीं है, विशुद्ध सनातन धर्म है, भागवत धर्म है। नारायण, यही बात रैदास जी कह रहे हैं। रैदास जी कह रहे हैं कि धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी, करो सतसंग यही विमल यश गावनी, करो सतसंग यही विमल यश गावनी, धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी। अब ये भक्ति सत्संग कैसे करें, रैदास जी पद्धति बता रहे हैं। वेद ते पुराण, वेदों का तात्पर्य अत्यंत गंभीर था, उसके सब अधिकारी नहीं थे, इसलिए व्यास जी ने वेदों से पुराण प्रकट किए। वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, साधन साध 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी। रैदास जी कह रहे हैं वेद से पुराण, पुराण से भागवत, और भागवत से भक्ति को प्रकट किया। वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी, भक्ति ते प्रेम, भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा। और उस प्रेम से प्रेम लक्षणा, भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा, बिना सत्संग नहीं जात चीनी। ये सत्संग है गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, इन ग्रंथों के माध्यम से जो भगवान का, भक्ति का, भक्त का, भगवंत का जो विचार है, इसी का नाम सत्संग है। और इस सत्संग के बिना भक्ति को जाना नहीं जा सकता। श्री रैदास जी कह रहे हैं, गंगा पाप हरे, गंगा पाप हरे, शशि ताप अरु कल्प तरु दीनता दूरी खोवे। स्कंद पुराण का श्लोक है, इसका अनुवाद है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा, ये स्कंद पुराण का श्लोक है। पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति ही। कहते हैं गंगा पाप नष्ट करती है, चंद्रमा ताप नष्ट करता है, कल्प वृक्ष दुख दारिद्र दीनता को दूर करता है, लेकिन पाप अरु ताप सब तुच्छ मति दूर कर, अमी की दृष्टि जब संत जोवे। अमृत भरी दृष्टि जब संत देख लेता है तो पाप ताप सबको समाप्त कर देता है। अमी की दृष्टि जब संत जोवे। रैदास जी कह रहे हैं, विष्णु भक्ता जिते, विष्णु भक्ता जिते, चित्त में धरे तिते, मन बच कर्म करी दृढ़ विश्वासा। भगवान के जितने भक्त हैं, मैंने उन्हें अपने चित्त में धारण किया है, मन वाणी क्रिया से मेरा उनके चरणों में समर्पण है,
और उनके प्रति श्रद्धा है और मेरा दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है आपका? बोले संत धरनी धरी, संत धरनी धरी, संत धरनी धरी। रैदास जी कहते इस धरती को संतों ने धारण कर रखा है। आज गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। ये नाम जापक भजनानंदी संत न होते तो धरती रसातल को चली गई। आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। ये सृष्टि संतों के कारण बची हुई है। रैदास जी कहते हैं विष्णु भक्ता जिते चित्त में धरे तिते, मन बच कर्म करी दृढ़ विश्वासा, संत धरणी धरी कीर्ति जग विस्तरी, प्रणत जन चरण रैदास दासा। भगवान की कीर्ति का विस्तार जिन संतों ने किया, मैं उन संतों का शरणागत हूं, उनके चरणों का दास रैदास है। कैसी विमल वाणी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। अब देखिए इस वाणी में संपूर्ण शास्त्रों का सार है। धन्य यस धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यस पावनी, धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यस पावनी, करो सतसंग यही भी विमल यस गावनी, करो सतसंग या विमल यस गा, वेद ते पुराण पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी, भक्ति ते प्रेम प्रेम ते लक्षणा, बिना सतसंग नहीं जात चीनी, गंगा पाप हरे सशिताप अरु, कल्प वृक्ष कल्प तरु दीनता दूरी खोवे, पाप अरु ताप सब तुच्छ मति दूर करे, अमी की दृष्टि जब संत जोवे, विष्णु भक्ता जिते चित्त में धरति ते, मन वच कर्म करी दृढ़ विश्वासा, संत धरनी धरी कीर्ति जग विस्तरी, प्रणत जन चरण रैदास दासा, प्रणत जन चरण रैदास दासा। देखिए लोक भाषा में बहुत से शब्द अपभ्रंश हो जाते हैं। रैदास जी के तीन नाम प्रसिद्ध हैं, रैदास, रमादास और रविदास। रविदास भी रैदास जी का ही नाम है, क्योंकि रैदास जी की प्राचीन वाणी आज भी सुरक्षित है और उस वाणी में तीनों प्रकार के छाप मिलती है, रैदास भी, रमादास भी और रविदास भी। अब कहीं मलूकदास छाप आई है, कहीं मलूक छाप आई है और कहीं मलूका छाप आई है। मलूका
अब कोई विश्लेषक कहे कि मलुकदास दूसरे हैं और मलूका दूसरे हैं, अब मलूक दूसरे हैं, ये तो कवि की बात है, जहां उसको जैसा छंद के अनुसार जो उचित पड़ा वो कर दिया, ऐसी बात है। रैदास जी की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है। बोलो श्री रैदास जी महाराज की जय। एक जगह रैदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, रैदास जी एक जगह कह रहे हैं, गाए गाए अब का कही गाऊं, 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 गावन हार बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं, जब लग है यातन की आसा, जब लग है यातन की आसा, तब लग करे जब मन मिलो आस नहीं तन की, जब मन मिलो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा, तब को गावन हारा, गाए गाए का कही गाऊं, गाए गाए अब का कही गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं। रैदास जी कहते मैं कहां तक गाऊं, क्या क्या गाऊं, कितना गाऊं, क्योंकि अब पता चल गया कि जिसको गाया जा रहा है वो हमसे दूर, वही तो हमारा अंतर्यामी है, वो हमसे दूर नहीं है और वो हमसे भिन्न नहीं है। जब लग इस शरीर की आशा है तब तक जीव पुकार करता है, और जब तन की आशा समाप्त हो जाती है, देहाध्यास समाप्त हो जाता है और अंतःकरण भगवान के साथ एकाकार हो जाता है, बोले तब को गावन हारा, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, अब डूब ही गया तो अब बोलना कहां रह गया, डूब गया। रैदास जी कहते हैं अब अवस्था यह आ गई है कि गाते गाते देहाध्यास तो छूट गया, देहाध्यास समाप्त तो हो गया और अंतःकरण राम जी से मिलकर एकाकार हो गया, और जब एकाकार हो गया तो अब क्या गाऊं और किसको गाऊं, अब हमारी दशा क्या हो गई। बहुत प्यारे शब्द हैं, सच्ची बात तो कहेंगे कि रैदास जी का स्वरूप यही है, इन पदों की चर्चा के बिना रैदास जी का स्वरूप समझ में नहीं आएगा।
जब लगी नदी न समुद्र समावे तब लगी बड़े हंकारा। जब लगी नदी न समुद्र समावे तब लगी बड़े हंकारा। जब मिलो राम सागर सो जब मन मिलो राम सागर सो तब यह मिटी पुकारा। तब यह मिटी पुकारा। गाए गाए अब का कई गाँव गाए गाए गावन हार को निकट बताऊं। गावन हार को निकट बताऊं। बोले जब तक नदी समुद्र में नहीं मिलती है तब तक खूब गरजती तरसती है, ओ हरार 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 चिल्लाती है, और जैसे ही समुद्र में मिल जाती है तो शांत हो जाती है। वो कह रहे तब तक गर्जना तर्जना है जब तक राम समुद्र से नहीं मिले हो, अब मैं गंगा श्री राम सागर से मिलकर गंगा सागर हो गया, अब किसको गाएं और क्या गाएं। अब गंगा और सागर दो नहीं, गंगा और सागर मिलकर एक हो गए। गाए गाए अब का कही गाए गाए आगे की पंक्ति में तो ऐसी विचित्र बात कह रहे हैं कि महाराज इसकी बहुत गंभीर चर्चा करनी पड़ेगी और लंबे समय तक करनी पड़ेगी तो समझ में आएगा, अब उतना समय है नहीं। रैदास जी कहते हैं जब लग भगति मुकुति की आसा। जब लगी भगति मुकुट की आशा परम तत्व सुनी गावे। परम तत्व सुनी गावे जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन। जहाँ जहाँ आस धरत है तहाँ तहाँ कछु ना पावे। तहाँ तहाँ कछु ना पावे गाए गाए अब का कही गाँव। गाए गाए अब का कही जब तक भक्ति की आशा है मुक्ति की आशा है तब तक लोग क्या करते हैं, न तो भक्ति करते हैं और न छूटने का कोई साधन करते हैं। यहाँ रैदास जी जो कहना चाहते हो ये है भक्ति की आशा लगी है वो भी चर्चा कर रहे हैं, मुक्ति की आशा लगी है वो भी गीता ब्रह्म सूत्र उपनिषद प्रस्थान त्रयी पढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से शरणागति स्वीकार करके राम राम कोई नहीं कर रहा है। और नहीं करोगे तो भक्ति की आशा लगाकर भी केवल चर्चा करना बेकार है, और मुक्ति की आशा लगाकर केवल ज्ञान की चर्चा करना भी बेकार है। जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार की निवृत्ति नहीं, लड्डू की चर्चा से क्षुधा की निवृत्ति नहीं, ऐसी केवल इनके बारे में तुम चर्चा करोगे राम राम नहीं करोगे, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे, भगवान की निष्काम सेवा नहीं करोगे, निष्काम भक्ति नहीं करोगे, तो इन कोरी बातों से कुछ बात बनने वाली यह तब क्या करें। गाए गाए अब का कही गाँव।
गाए गाए अब का कहेगा। गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं, छाड़े आस निराश परम पद, 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 तब सुख सत करी होई, तब सुख सत कर हो। कह रे दास जासो और करत है, कह रे दास जासो और करत है, परम तत्व अब सोई, परम तत्व अब सोई, गाए गाए अब काकईगा, गाए गाए अब काकईगा, गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं। रैदास जी कह रहे हैं भैया आशा छोड़ दो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, दत्तात्रेय जी वाली बात, पिंगला से ही तो शिक्षा ली, आशा ही दुख है, निराशा ही तो सुख है, और शांत हो जाओ महाराज, सब निराश हो जाओ और क्या करें। बोले रैदास जी कहते हैं मैं तो यही मानता हूं और यही जानता हूं कि जीव जब तक अपने तन मन प्राण सर्वस्व को भगवान के चरणों में न्यौछावर करके उनकी शरण ग्रहण करके उनके पवित्र नाम का आश्रय जब तक नहीं लेगा तब तक उसके जीवन में न ज्ञान न भक्ति कुछ भी उत्पन्न होने वाली। रैदास जी से संतों ने पूछा आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अकिंचन भाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और सारी धरती पर प्रसिद्ध है कि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की आपके ऊपर परिपूर्ण कृपा है, आप उनके लाडले शिष्य हैं, द्वादश शिष्यों में आपकी गणना है और आपको सब तत्वज्ञानी संत कहते हैं। तो संतों ने रैदास जी से पूछा कि हम भी आपकी अनुभूति सुनना चाहते हैं, आपका अब तक के इस प्रपन्न जीवन में अति निष्काम भाव से हरिनाम जप करके आपने क्या अनुभव प्राप्त किया है। महाराज जी बड़ा विलक्षण पद है, इस पद में रैदास जी ने अपनी आत्मानुभूति कही और हम निवेदन कर रहे हैं ये श्री रैदास जी की आत्मानुभूति, यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है और यही ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, भाव एक ही है, चाहे तो हम ये कह दो कि सब में ब्रह्म को देखो और चाहे हम ये कह दें कि सब में भगवान को देखो, बात अंतर हुई। अरे नागनाथ सांपनाथ में कितना अंतर है, जो नागनाथ है वही सांपनाथ है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, उन्हीं को ब्रह्म कहते उन्हीं को परमात्मा कहते उन्हीं को भगवान कहते हैं। तो चाहे ज्ञान की ऊंची अवस्था भी यही है और भक्ति की ऊंची अवस्था भी यही है, वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान। रैदास जी बोले हमें यह अनुभव हो चुका है, अब मेरे सामने संसार तिरोहित है, मेरे सामने ये सारा जगत ही जगन्नाथ हो गया,
ये रैदास जी का अनुभव है। ऐसे तत्वज्ञानी संत श्री रैदास जी की चरण रज में हम अनंत दंडवत निवेदन करते हैं। कैसे महापुरुष हैं, रैदास जी कहते हमारा ऐसा ही अनुभव है। और अनुभव जो है वो अनुभव की वस्तु है, बोलने की वस्तु नहीं है। लेकिन आप सब संत कह रहे हैं तो संतों से छिपाओ भी क्या है। रैदास जी कहते हैं ऐसो कछु अनुभव कत ना आवे, ऐसो कछु अनुभव कत ना, ऐसो कछु अनुभव कत ना आवे, ऐसो कछु अनुभव कत ना आवे। साहिब मिले तो को बिल गावे, साहिब मिले तो को बिल गावे। सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से क्या पूछा, नारायण सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से क्या पूछा कि महाराज चित्त गुणों में आसक्त हो रहा है कि चित्त में गुण हैं, ये आप कृपा करके बताओ। ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान ने हंस अवतार लेकर के उनका समाधान किया। यहां रैदास जी कह रहे हैं के भाई अलग अलग हो तब तो बिलक बिलक करके बताए जाए, और जब अलग है ही नहीं एक ही है तो फिर भेद कैसे हम कहें कि ये है और ये है। यह एक अवस्था है कि ये जड़ है और ये चैतन्य है, यह एक प्रारंभिक अवस्था है। और एक ऐसी अवस्था है जहां एक चैतन्य को छोड़कर दूसरा कुछ भी एक अवस्था है। रैदास जी उसी अवस्था पर उसी कक्षा पर पहुंचे हुए महात्मा हैं। ऐसो कछु अनुभव कहत ना आवे, ऐसो कछु अनुभव कहत ना आवे। साहिब मिले तो को मिले तो को बिल गावे। अब ध्यान से सुने, सब में हरि है हरि में सब है, सब में हरि है हरि में सब है, सब में हरि है हरि में सब है, सब में हरि है हरि में सब है। हरि अपनो जिन जाना, हरि अपनो जिन जाना। जिन्होंने जान लिया भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हरि में सब में हरि है हरि में सब है, सब में हरि है हरि में सब। हरि अपनो जिन जाना, हरि अपनो जिन जाना। साखी नहीं और कोई दूसर, साखी नहीं और कोई दूसर। जानन हार कछु अनुभव कहत नावे, ऐसो कछु अनुभव कहत नावे। साहिब मिले तो को बिल गावे, साहिब मिले तो को बिल गावे। कहते इसकी साक्षी कोई दूसरा नहीं है,
मैं ही इसकी खुद साक्षी हूं। और जो इस तत्व को जानता है वही सयाना है और बाकी सब मूर्ख हैं। चाहे जितने पोथी के पंडित हों, इस तत्व तक नहीं पहुंच पाए तो वे ज्ञानी नहीं, वे अज्ञानी हैं। रैदास जी कहते हैं, बाजीगर सोरा चीरा बाजी का मरम न जाना, बाजीगर सोरा चीरा बाजी का मरम न जाना, बाजी झूठ साँच बाजीगर, बाजी झूठ साँच बाजीगर, बाजी झूठ साँच बाजीगर, बाजी झूठ साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना, जाना मन पतियाना, ऐसो कछु अनुभव बाजीगर। बाजीगर कौन है? जादूगर को बाजीगर कहते हैं। ये बाजीगर कौन है? साक्षात ठाकुर जी बाजीगर हैं। और उनकी बाजी माने माया, ये माया बाजीगर की बाजी क्या है? ये संसार, यही उनका जादू है। बाजी का मरम नहीं जाना, बाजी क्या है? बोले बाजीगर सच्चा है पर उसका जादू झूठा है। और इस बात का मुझे विश्वास हो गया। कैसे हो गया विश्वास? बोले जादूगर की जादूगरी से सम्मोहित हो जाते हैं, लेकिन जादूगर के पास एक बच्चा रहता है, उस बच्चे को कहते जमूड़ा। वो जमूड़े के साथ संवाद करता जाता है जादूगर, और फिर जादू का खेल दिखाता है। श्री रैदास जी कहते बाजीगर तो हमारे ठाकुर जी हैं, बाजीगर तो हमारे ठाकुर जी हैं, और मैं उनका जमूड़ा बन गया। तो जमूड़ा बनते ही हमको ये भेद समझ में आ गया कि बाजीगर सच्चा है और बाजी झूठी है। बाजीगरे मलुकदास जी कहते हैं, बाजीगरे पसारी बाजी भूल भुलाया सब काजी, देखा वे मुल्ला बैराना नाहक पड़े किताब कुराना। मलुकदास जी का पद है, बाजीगरे पसारी बाजी भूल भुलाया सब काजी। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते मेरी माया से मुक्त हो जाते। अब मलु श्री रैदास जी कहते हैं, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, मन थिर होई तो कोई न सूझे, मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा, जाने जानन हारा, कह रे दास विमल विवेक सुख, 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 सहज स्वरूप संवारा, सहज स्वरूप संवारा, ऐसो कछु अनुभव कत न आवे, ऐसो कछु अनुभव कत रैदास जी कह रहे हैं,
मन स्थिर हो जाए तो फिर दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। शरणानंद जी महाराज का सिद्धांत है ना, ठहरी हुई बुद्धि में और परमात्मा संबंधी विचार स्वतः प्रकट हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है। कहते यही ठहरा हुआ मन, मन माने अंतःकरण, स्थिर जो अंतःकरण है उसमें जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो यही बात भीतर से समझ में आती है कि एक भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिय राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पान। रैदास जी कहते इस विमल विवेक के सुख में हमने अपने सहज स्वरूप को संवार लिया, और जब सहज स्वरूप समर जाता है तो समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा और लागी समाधि अखंड पारा। रैदास जी की समाधि ऐसी है जिसमें आंख नाक मूंदने की जरूरत नहीं है। ओ रैदास जी की भाव दशा कैसी थी? रैदास जी नीम के वृक्ष के नीचे बैठे, भोर में 3 बजे ही गंगा स्नान करके आ जाते, 3 बजे गोता लग जाता था रैदास जी का गंगा जी, ठंडी गर्मी बरसात। अब फिर आप बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करके फिर मानसी सेवा करते थे, दिन में 8-9 बजे तक मानसी सेवा एक ध्यान। रैदास जी के संबंध में ऐसा गुरुजनों से ज्ञात होता है कि रैदास जी भी ऐसे संत थे जिनको कभी किसी ने सोते नहीं देखा, दिन में तो सोने का प्रश्न ही नहीं, रात्रि में सत्संग चलता और फिर 3 बजे गंगा नहाने चले जाते, कब विश्राम कर लेते भगवान जाने। कोई झोपड़ी नहीं, कोई कक्ष नहीं, कोई कमरा नहीं, जीवन भर नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहे, ठंडी गर्मी बरसात। झोपड़ा इसलिए बनाया था कि ठाकुर जी छाया में रहना चाहिए, बस संत आवे तो उनका आसन लग जाए, खुद तो अपने पेड़ के नीचे। अब फिर 8-9 बजे के बाद उनकी धर्म पत्नी रैदास जी की गृहिणी, वो रोजी रोटी का सौंज रापी भीजा हुआ चमड़ा कठोता पानी सुई धागा वो सब चीज रख देती, जो उनका जूता गांठने बनाने के जो औजार हैं सामग्री है वो रख देती और अपने काम में रहती वो, और रैदास जी मानसी सेवा करते, रैदास जी मानसी सेवा कर रहे थे। और मानसी सेवा में सीताराम जी की संपूर्ण सेवा रैदास जी ने कर ली। अब चरणामृत बांट रहे थे, आरती के बाद चरणामृत प्रसाद बांटा जाता है, तो रैदास जी चरणामृत बांट रहे थे। और भाव राज्य में नारद शुक सनकादि व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि चरणामृत लेने के लिए उनके सामने खड़े थे, सबको प्रणाम करते, सबको चरणामृत देते, इंद्रादि देवता उनके सामने चरणामृत लेने के लिए खड़े थे, सबको बांट रहे थे। वो तो भाव राज्य में थे, हम निवेदन कर चुके हैं कि आंख नाक मूंदने की जरूरत नहीं थी, उनको तो खुले नेत्रों से ही सब कुछ भाव और ध्यान चलता था उनका। इसी बीच में काशी नरेश आ गए, प्रणाम किया महाराज, नमस्कार किया, आप भाव दशा में थे, आपने कह लो चरणामृत। कठोते में केवल पानी भरा था, उसमें और कुछ नहीं था, लेकिन उनकी उनका सिद्ध भाव था इसलिए उनके चरणामृत कहने से कठोते का जल चरणामृत हो गया, इस सिद्ध संत की वाणी। पर काशी नरेश उन्होंने मन में विचार किया,
कि ये जो हैं आखिर तो चर्मकार हैं, इस कठोते में और कोई बढ़िया काम तो करते नहीं, सब सामान धरा है जूता बनाने का गांठने का, तो चमड़ा भिजाते होंगे इसमें, और लकड़ी का बर्तन अशुद्ध जल्दी हो जाता है, तो जिसमें चमड़ा भीजा हुआ हो उस बर्तन का पानी अपने लेना ठीक नहीं है। लेकिन अब ये सिद्ध महात्मा हैं, ये दे रहे हैं चरणामृत कह के, मैंने हाथ भी फैला दिया तो ले तो लूं पर इसको पीना उचित नहीं। तो बुद्धि ने काम किया, उन्होंने ले तो लिया, और ले करके सर्दी का समय था, ऐसे लेके ऐसे हाथ कर लिया, तो वो चरणामृत जो था वो कोट में ढोरक गया राजा के। तो राजा गया और जाकर के काशी नरेश ने अपने राजकीय धोबी को बुलाया, महिलाओं में सब सेवा करते हैं, बोले इसको धो दो, उसमें दाग लग गया था, जैसे चरणामृत में केसर का प्रभाव होता ना, भगवान का केसर चंदन घुल जाता, तो उसमें दाग था, सफेद कोट था राजा का, उसमें दाग लग गया था, बोले इस दाग को धो करके लाओ। देखो धोबियों को कुछ वरदान जरूर है भगवान का, हम लोग कपड़ा साफ करते तो पानी बर्बाद होता, साबुन भी बर्बाद होता, और कपड़ा उतना साफ नहीं निकलता, और ये मैले गंदे पानी में कपड़ा धोते हैं और ऐसी जगह सुखाते हैं जहां महाराज जाके नहाना पड़े, ऐसी जगह सुखा देते हैं, और फिर वो जब बढ़िया से प्रेस करके तो ऐसे लगता है जी अभी नया कपड़ा बन के आया, पता नहीं क्या चमत्कार है, होगा कोई बदनाम वरदान होगा, हमने पूछा तो नहीं किसी से, लेकिन लगता ऐसा ही है कि कोई ना कोई भगवान का विशेष वरदान होगा उनको। तो महाराज वो धोबी था, उसने सोचा कि इतने दाग के लिए क्या है, तो वो एकांत में गया और उसको कोट को दांत से लगाकर उस दाग को ऐसे दांत से रगड़ा, दांत से भी दाग छूट जाता है, मुंह की लार से दांत से दाग छूट जाता है, उसने ऐसे छुड़ाया, जैसे ही छुड़ाया उसको सारी सृष्टि राममय दिखाई देने लगी, वो तो हरिबोल हरिबोल करके नाचने लग गया, उसकी धोबी ने समझा के तो पागल हो गए, ये पागल हो गए, क्यों उसको पत्नी भी भगवान, पुत्र भी भगवान, सब भगवान, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा जो सामने आवे सब भगवान, अब सब जगह डंडौत करे नाचे रोवे गावे। धोबी के परिवार के लोग उसको पकड़ के राजा साहब के बोले महाराज क्या हो गया इसको, अच्छा खासा ठीक था आपका कोट लेकर आया। राजा ने पूछा भाई तुम ठीक? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ राम जी क्या दिखता तुमको, क्या अनुभव होता? बोले महाराज मुझे राम, आप भी राम जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये भी राम जी के रूप में, सब राम जी, सब राम जी, सब राम जी। राजा तो बुद्धिमान तो थे ही, समझ गए कि उस कोट में जो जल गिरा था उसका ये दिव्य प्रभाव, इसकी कोई साधना नहीं उपासना नहीं, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक चरणामृत ले लिया होता तो आज मैं भी जीवन मुक्त हो जाता, मुझे भी सर्वत्र राम जी दिखाई देने लगते। राजा ने कहा इसको ले जाओ खिला पिला के सुला दो ठीक हो जाएगा, ले गए उसको, ठीक हो गया वो, ठीक ठीक खराब कहाँ था, दुनिया वाले ठीक उसको खराब समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे। अब राजा दूसरे दिन फिर ठीक समय से पहुंच गए राजा साहब, बोले महाराज चरणामृत दीजिए, आज तो रैदास जी ने अपनी ओर से चरणामृत कह के दिया था, लो चरणामृत लो, आज राजा ने मांगा महाराज चरणामृत दीजिए। रैदास जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं नीच चर्मकार इस कठौती में चमड़ा भिजाता हूं, आप क्षत्रिय हैं राजा हैं संध्या गायत्री करने वाले हैं, ये जल आपके योग्य नहीं है, कल तो आप इसी में से दे रहे थे राजन, उस समय भाव राज्य में स्थित होने के कारण ये जल जल नहीं था, ये भगवत चरणामृत था, लेकिन अब वह अवस्था नहीं है। काशी नरेश भी पश्चाताप करते हुए चले गए, ये रैदास जी की अवस्था।
एक बार इसी प्रकार से रैदास जी भाव दशा, समय पूरा हो गया, इसी प्रकार से आप कुछ कह दें फिर आगे की कथा फिर कल सुने, समय हो गया। श्री गोवर्धन राम जी कुछ कहेंगे, आप भाव से सुने और कल यहां से आगे का प्रकरण हम कल सुनाएंगे, सभी यथावत बैठे। राम वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।